गरियाबंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेनपुर में आयोजित सामुदायिक भवन के लोकार्पण और मातर त्योहार में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां कवासी लखमा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है। राज्य के हर वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये दिए गए, किसानों का कर्ज माफ किए। वहीं बीजेपी सरकार के यहाँ रमन सिंह ने जूता बांटे, बिजली तिहार मनाया, टिफिन तिहार मनाया, इससे जनता का हित नहीं होने वाला। उक्त उद्बोधन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रयास कर रही है। आज बस्तर में करोड़ों कई कंपनियां खुल रही हैं, ऐसा पूरे राज्य में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में ग्राम में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। बनने का काम हिस्सा होगा तो हिंदुस्तान के पहला राज होगा, और पानी को रोकने में, गाय माता को रखने में और इस देश में सेवा करने में। आज हम लोग कुपोषण, खासकर बस्तर में बहुत है, उनको गर्म भोजन देना, अंडा देना, केला देना, नहीं खाने वाला को दूध देना, ये सारे मेनू में है। तो इसलिए इस देश में बहुत सी जनता पार्टी 15 साल में ठगा है। नरेंद्र मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री है, वो 2014 में 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे। हम जनता से पूछता है, एक आदमी को भी नहीं मिला, 15 लाख देंगे बोला, 15 पैसा नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग बीजेपी को बोलेंगे, हम एक पंडित नहीं है, राजनीतिक लोग है, जनता को चुनवाएंगे। तो आज दान करी दी, अगले महीना से होगा, 2500 रुपए देंगे। मैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर 65+ की बात करती थी, मगर छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ का बजट का पैसा को बर्बाद करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 45 लाख पंजीकृत। गरियाबंद से उत्तेश पांडे की रिपोर्ट।